डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया है बड़ी कमाल की। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं इसका ताजा हाल तो जरा देखिए एक नजर। फिल्म में ड्रामा होता है, एक्शन होता है और रोमांस होता है, लेकिन कोई कोई फिल्म इतनी पारिवारिक होती है कि जिसे देखने के बाद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म गुलमोहर की, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 मार्च से स्ट्रीम होने वाली है। ऐसे में एक और स्क्रीनिंग रखी गई जहां सितारों का मेला लगा हुआ था। फिल्म रिलीज से ठीक 2 दिन पहले एक नहीं बल्कि 2-2 स्क्रीनिंग रखी गई, जहां काफी सितारे पहुंचे मनोज वाजपेयी की फिल्म को सपोर्ट करने। स्क्रीनिंग के काफी अच्छे मोमेंट भी देखने को मिले, जहां मनोज वाजपेयी अपने मेहमानों के साथ काफी व्यस्त नजर आए। मनोज वाजपेयी तनुजा जी के साथ काफी बातें करते हुए नजर आए। वहीं मनोज वाजपेयी की ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों फैमिली भी नजर आई। इसके अलावा जाकिर खान, करण टैकर, अरबाज खान, बुमन ईरानी और बाबिल खान और उनकी मां भी नजर आई। स्क्रीनिंग पर कुछ स्टार्स फिल्म देख चुके थे और कुछ दूसरी पारी के लिए इंतजार कर रहे थे। मनीष पॉल तो फिल्म देखने के बाद काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखों में आंसू देखा गया क्योंकि इस फिल्म में फैमिली के रिश्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ उजागर किया गया है। अच्छी फिल्म, देखिए फिल्म हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन अब ये फिल्म दर्शकों के पास चली जाएगी 3 तारीख को। उसके बाद ये फिल्म हमारी फिल्म नहीं रह जाएगी, हम इसकी मेमोरीज को साथ लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी, इट्स अ नगेट ऑफ लाइफ। ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक टुकड़ा जो है ना हमारे सामने एक प्यारा सा टुकड़ा रख दिया। आई लव्ड इट। मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी। मुझे ये अच्छा लगा कि कितने सारे नए एक्टर्स थे। मुझे ये अच्छा लगा कि मैं शर्मिला जी को देख रही हूँ इतने साल बाद। वाओ, अच्छी लगी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही मतलब हमारे परिवार की कहानी हो सकती है, हमारे पड़ोसी की कहानी हो सकती है। भर गया, बहुत एलिगेंट फिल्म है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो पहले मैं सोचा कि कैरेक्टर्स इतने सारे याद रहेगा, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से धीरे 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 एक एक कैरेक्टर का दुख, दर्द, खुशी, उनकी उम्मीदें, हर एक कैरेक्टर को छोड़ा नहीं, हर कैरेक्टर का स्टोरी क्लोज होता है। बहुत ही मुश्किल फिल्म है और दे पुल्ड इट ऑफ। फिल्म ने तो इनके दिलों को छू लिया। वहीं बाकी लोग जो फिल्म देखने के लिए जा रहे थे वो काफी एक्साइटेड थे। ट्रेलर देख के बस, यार मैं मनोज सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैं बचपन में पापा मुझे हमेशा बोला करते थे कि अगर एक्टिंग सीखनी है तो ये देखो, ये है एक एक्टर। मेरे घर पे गुलमोहर का पेड़ है, तो वो है सबसे पहली जो चीज़ मुझे लगी। दूसरा, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद है और मनोज भाई तो हैं ही, मतलब उनसे बेहतर कोई एक्टर नहीं है अभी हिंदुस्तान में। मनोज सर, एवोल्यूशन इज हैपनिंग, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटीरियर एवोल्यूशन दैट यू कैन सी नाउ, व्हिच इज अमेजिंग टू वॉच। लाइक इवन व्हेन बाबा स्टार्टेड इट वाज लाइक हासिल एंड मकबूल, एंड देन स्लोली स्लोली यू कुड सी कि एवोल्यूशन अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की। हाँ, और अंदर की दुनिया बढ़ रही है, एंड मनोज सर इज
मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग है. शर्मिला टैगोर जी भी हैं इसमें एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हर. I think it was, I was in Dubai actually. So Manoj told me to go and see the film. I was not here. And then when I saw the trailer, it was very compelling. That is the first word I can say. It was very compelling mujhe dekhne ke liye. Laga ki main dekhu isko film aayegi to main dekhungi zarur. Wonderful performances that immediately jumps out at you. Something that touches you and something quite different. To aapko film ki screening ka nazara dikha diya. Lekin aaj bhi hame intezaar tha Sharmila Tagore ka. Kyunki kaafi log Sharmila ji ko screen पर देखने के लिए उत्साहित थे, तो भला उन्हें रूबरू कौन नहीं देखना चाहता. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ABP News, आपको रखे आगे.